अस्सलामुअलैकुम। आज सैफ किचन में हम बना रहे हैं दही बड़े, हैदराबादी दही बड़े। कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। आप लोगों को पता ही होगा बनाने का तरीका, लेकिन फिर भी हम जैसे बनाते हैं वैसे भी देखिए आप रेसिपी हमारी भी। बड़े से बर्तन में बेसन को लेते हैं, ले लिया है 200 ग्राम दही बड़ों के लिए 200 ग्राम आटा लिया है हमने। 200 ग्राम बेसन ले लिया है, चने का आटा। अब हम इसमें मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ले लेंगे हम। सोडा है हमारे पास, सोडा भी डाल लेंगे हम 1 चुटकी। हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच। जीरा पाउडर 1 चम्मच और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी ही लेंगे हम उसे क्रश करके, इससे स्वाद अच्छा आएगा। और हम चाट मसाला भी डालेंगे इसके अंदर। चाट मसाला फिर नमक, अभी भी सारे मिला लेंगे अच्छे से, हाथ की मदद से ही मिलाएंगे हम। लाल मिर्च पाउडर भी डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं, हम थोड़ी सी डाल रहे हैं इसमें। अब हम अच्छे से हाथ की मदद से इसे मिला लेंगे। हाथ से ही अच्छे से मिलाना चाहिए, अच्छे से फेंटना चाहिए, तभी हमारे दही बड़े अच्छे बनेंगे। मिलाने के बाद में हम 1 आधे घंटे के लिए रेस्ट रख देंगे आटे को, क्योंकि इस तरह से फेंटना चाहिए आटे को। हम कितना और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे इसमें। तरह से फेंटने से दही बड़े बहुत अच्छे फूलेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे रहेंगे, खाने में भी। हम इसे 1 आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आटा परफेक्ट अच्छे से भीग गया है। अब हमने कढ़ाई को ऑलरेडी रख लिया है चूल्हे पे, तेल भी गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें दही बड़े डालेंगे 1-1 करके। पूरे ऐसे ही हम 1-1 करके डाल लेंगे। देखिए इतने अच्छे से हमारे दही बड़े। अब हम यहाँ से धीरे से पलट लेंगे। अब हम इसे डायरेक्ट निकाल कर नमक के पानी में नहीं डालेंगे हम। इसे थोड़ी देर 1 प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद में ठंडे होने पर हम नमक के पानी में डालेंगे। डायरेक्ट हम नमक के पानी में डाल देने से, डायरेक्ट दही में पानी में डालने से क्या होता है, गरम गरम पे डालने से दही में डालने पर टूट जाते हैं, इसलिए हम इसे ठंडे होने पर डालेंगे। इसे नमक के पानी में डालेंगे, वो हमने पैन को चूल्हे पर रखा है। हम दही बड़ों के लिए बघार तैयार कर रहे हैं। हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये हैदराबादी दही बड़े हैं इसलिए हम इसमें बघार बता रहे हैं आपको। वो आपको जो बताते हैं दही भल्ले उसमें बघार नहीं बताते हैं, सिर्फ चाट मसाला वही डाल कर ही दही भल्ले बनाते हैं। क्या करेंगे कुछ तो बोल दो। राई डाला है हमने उसमें,
ये सूखे लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें। अब रेडी है, अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, कितने परफेक्ट नमक के पानी में कितने परफेक्ट और कैसे अच्छे से फूल गए हैं हमारे दही बड़े। हमने इसे गरम गरम पे नहीं डाला, इसलिए ये बहुत ही अच्छे परफेक्ट बने हैं, जैसे बाज़ार में मिलते हैं वैसे ही बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, जैसे हमने बनाया है वैसे ही आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार दिखेंगे और इफ्तार में भी बहुत अच्छे दिखेंगे। अब हम इसमें दही डाल रहे हैं, आपको गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रखना है या पतला करना है तो पतला करके भी डाल सकते हैं। हमने मीडियम रखा है दही को, बहुत ही अच्छे बनेंगे दही बड़े ऐसा बनाने से। अब इसके ऊपर से हम बघार डालेंगे। अरे थोड़ी सी हरी मिर्ची बारीक काट ली है हमने, हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ी सी कोथमीर को भी हमने कोथमीर भी डालेंगे। देखिए बहुत ही परफेक्ट दही बड़े बनाए हैं, दही बने बने हैं, बड़े हैं हमारे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट भी करिए। हमारे दही बड़े पसंद आए तो दही बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को आती भी है रेसिपी तो हमारी रेसिपी से फॉलो होइए, बहुत ही मज़ेदार और इफ्तार में खाने के लिए बहुत ही अच्छे लगेंगे हमारे दही बड़े। आप सबको रमज़ान के रोज़े मुबारक। अल्लाह हाफिज़।